क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। हम कक्षा दसवीं का हिंदी पढ़ रहे हैं, क्षितिज भागो का काव्य खंड आत्मकथ्य। तब इसकी पहली क्लास में हमने पढ़ा था, इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्य में स्थान और पाठ का सारांश और उसके कुछ पदों के व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ संदर्भ प्रसंग को पढ़ा था। इसी के आगे हम आज पढ़ते हैं पद 3। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाला, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा। ये था पद 3। अब हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को देखते हैं। आलिंगन का अर्थ होता है मुस्कया, मुस्कुराना, मुस्कुराना। अरुण का बोलो लाल 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 या लाल बांधी। अनुरागी प्रेम करने वाली। उषा का मतलब होता है प्रातः या सुबह। मधुमाया मोह लेने वाली, स्मृति यादें। फिर है पाथेय, पथ संबंधी या रास्ते का या पथ का भोजन। पाथेय मतलब पथ संबंधी या रास्ते का या पथ का भोजन। फिर है पथिक, राही या राहगीर। सीवन सिलाई धागा। कंथा मतलब अंतर्मन या गुगली। ये थे इस पद के कठिन शब्द। अब हम इसके अर्थों को देखेंगे कि इसका अर्थ या भावा या व्याख्या क्या है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद में कहा है, क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, कि मुझे जीवन में तो सुख बिल्कुल भी नहीं मिला। मेरा जीवन उनके हमने पढ़ा था जीवन परिचय में कि उनका जीवन बहुत अभावग्रस्त था। लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं मिला। जिस प्रकार नींद से जागने पर स्वप्न विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे सुख भी विलीन हो गए। जैसे ही हम नींद से उठते हैं स्वप्न टूट जाता है, स्वप्न गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं, उसी तरह लेखक के जीवन में सुख भी थे जो कुछ क्षणिक मात्र थे और उनके जीवन से सारे सुख कुछ क्षण के लिए थे और सब उनसे वो दूर हो गए। वह सुख जिनके लिए मैं बाहों को फैलाकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा, पर वे मुस्कुराकर चले गए। लेखक प्रतीक्षा करते रहे कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छे पल आएंगे, अच्छे क्षण आएंगे, अब बहुत अभाव रहा, दुख रहा, अब तो हमारे जीवन में सुख आएंगे, पर वह सुख भी मुस्कुराकर आगे निकल गए। कभी अपनी प्रेसी की सुंदरता के बारे में कि उसके जो लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था मानो प्रेम बिखराती हुई स्वयं उषा।
कवि अपनी प्रेमिका या की सुंदरता के बारे में कहते हैं कि उसके जो रक्त मतलब जो लाल लाल गाल हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि प्रेम बिखराती हुई सुबह सुबह की वह स्वयं उषा हो। प्रेम बिखेरती हुई, प्यार बिखेरती हुई सुबह का तो सुंदर अच्छा सुंदर वातावरण है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके गालों को देखकर कि वह प्रेम बिखराती हुई खुद एक प्रभाती प्रातः या उषा। इसी तरह कवि अपनी प्रेसी को याद कर कहते हैं कि मेरे लिए उसकी स्मृतियां मेरे जीवन की कष्टप्रद राह में सहारा बनी है। कि उसके जो मधुर यादें हैं उनकी प्रेसी या प्रेमिका की जो अच्छी यादें हैं जो मधुर यादें हैं उस वह क्या बन गई, उनके जो अभावग्रस्त कष्टप्रद जो उनका जीवन है उसमें वह सहारा या पाथे बनी। वह आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करने वालों से कहते हैं कि मेरी कुदड़ी की सीवर उधेड़ना पर तुमने मेरे दुख दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं कवि कि आप मुझे मेरी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो जो मेरे को मेरी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनसे लेखक कहते हैं कि आप मेरे अगर जीवन की तरफ झांकेंगे तो मेरे जीवन में मेरे जीवन के अंतर क्षण में जीवन में क्या है इतने अभाव रहे तो हम अपने पुराने दुख और दर्द सीवन उधेड़ने मतलब कि हम अपने जो पुराने जीवन के जो कष्ट थे जो दुख थे उनको उधेड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, मैं दुखी ही होऊंगा और उस पर क्या मिलेगा सिर्फ दुख और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों अपनी आत्मकथा लिखूं जिससे मुझे दुख और दर्द भी मिलना है। अब हम आगे का पद देखेंगे, पद अब इसी के हम देखेंगे कुछ प्रश्न उत्तर है कि इस पद से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो कवि के दुख का कारण क्या है ना, उत्तर है पहला कि कवि के जीवन में सुख के अत्यंत कम पल थे। अभी हमने पढ़ा कि उनका जीवन अभावग्रस्त था और सुख तो मुस्कुराकर निकल गए उनके जीवन से, वह राह देखते रहे कि अब हमारे जीवन में अच्छा समय आएगा और सुख मुस्कुरा कर चलेगा। तो कवि के जीवन में सुख के अत्यंत कम पल थे जो बीत चुके थे और अब उनके जीवन में दुखों के सिवाय कुछ नहीं था, इस कारण कवि दुखी। फिर दूसरा कि कवि स्वयं को थका हुआ पथिक कहकर अपना संबल किसे बता रहे हैं। अभी बताइए, अभी इसका पढ़ा है किसको बता रहे थे, वह अपनी प्रेसी या प्रेमिका की मधुर यादों को बता रहे हैं। उत्तर है कवि स्वयं को थका हुआ पथिक कह रहे हैं और अपना संबल या सहारा अपनी प्रियतमा के साथ बिताए क्षणों को कह रहे हैं जिनकी स्मृति के सहारे वह अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर है कि कवि ने अपनी प्रेसी के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो कवि ने अपनी प्रेसी के गालों की लाल लाल आभा को उषा की उपमा दी है और वह कहते हैं कि उसके गालों की लाली से उषा प्रेममय हो जाती है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि उनकी जो प्रेसी है उनके लाल लाल गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ मुस्कुराती हुई सुबह के समान है। तो कवि ने इस तरह अपनी प्रेसी के सौंदर्य का वर्णन किया। अब हम आगे देखते हैं इसमें पद चार, छोटे से जीवन को
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब इसके कठिन अर्थ शब्दों के अर्थ को देखेंगे। मौन मतलब चुप, व्यथा पीड़ा दुख भरी कहानी, दुख भरी व्यथा मतलब दुख भरी कहानी, और की मतलब दूसरों की, दूसरों की बोली सीधी सरल, बोला भाला जिसको बोलते हैं कि बहुत सीधा है, बहुत सरल है बोला। अब हम इस पद के भावार्थ को या व्याख्या को देखेंगे कि इस पद में कवि क्या कहते हैं। भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी कहानी में कैसे हो, किसी का भी जीवन हो, हमेशा कष्ट और उतार चढ़ाव अभाव से सुख दुख से मिला हुआ होता है, पर कवि के जीवन में कुछ दुख ज्यादा ही थे, इसलिए कवि कहते हैं कि अपना मेरा जो सामान्य जीवन उसकी कहानी बहुत बड़ी है, क्योंकि सुख का समय तो बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, बहुत आसानी से कट जाता है, किंतु जो दुख वाला समय होता है उसको समय तो सभी निकल जाते हैं, लेकिन दुख वाला समय निकलने में बहुत समय लगता है। सिर्फ करीब बहुत में अभी तो इतना ही समय हुआ, इतना और हमको काटना। इसलिए कवि कहते हैं कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी कहानी में कैसे लिखूं, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों की कथा मौन रहकर सुनता रहूं। कैसे रहकर? चुपचाप खामोश, मौन और चुपचाप रहकर मैं दूसरों की बातें सुनता रहूं, क्योंकि मेरे सीधी सरल कहानी सुनकर भला तुम क्या करोगे, मेरी सीधी सरल कहानी सुनकर भला तुम क्या करोगे। और अभी मेरी कहानी कहने का समय भी नहीं है। लेखक कवि कहते हैं कि मेरी जो जीवन है वह तो बहुत ही सीधा और सरल है, और मेरी इस सीधी सरल कहानी को सुनकर तुम क्या करोगे, जो लेखक से आत्मकथा लिखने के लिए लेखक को कहते हैं, तो कवि उनसे कहते हैं कि मेरी तो सीधा सरल जीवन था, तो मेरी उस कहानी को सुनकर तुम क्या, और अभी मेरी कहानी कहने का यह समय भी उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जो व्यथा या दुख भरी कहानी है वह अभी क्या हो गई है, थक कर सो गई है। लेखक कवि कहते हैं कि मेरी जो दुख भरी कहानी है उसको कहने का अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरी जो दुख भरी कहानी है वह अभी क्या हो गई है, थक कर सो गई है। अर्थात कवि अपनी सोई हुई पीड़ा को जगाना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि अगर वह अपने पुराने कष्टप्रद अभावग्रस्त समय की बातें करेंगे तो उनको क्या होगा, वो उससे दुखी ही होंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपनी उस पीड़ा को जो सो गई है थक कर, उसको अभी बिल्कुल भी उठाना या जगाना नहीं चाह रहा हूँ, अतः आत्मकथा लिखने का यह उचित समय नहीं, और न ही इसका कोई औचित्य है कि
कि मैं अभी अपनी आत्मकथा लिखूं। अब इसके इस पद में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न पहला है कि कवि मौन क्यों रहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी कहानी में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जिस पर लोग वाह वाह करें। मेरी कहानी या मेरे जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए कवि चाहते हैं कि वह अपने जीवन की कहानी कहने से बेहतर वह दूसरों की कहानियां चुपचाप सुनते हैं और वह मौन ही रहना चाहते हैं कि चुपचाप दूसरों की कहानी सुने पर अपनी वह कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद और अभावग्रस्त था। फिर दूसरा, आत्मकथा कहने के लिए कवि इस समय को उपयुक्त क्यों नहीं मानते। तो इसका उत्तर है कि कवि कहते हैं कि आत्मकथा कहने से उनके पुराने भाव फिर से हरे हो जाते। आत्मकथा कहेंगे तो उनको अपने पुराने जीवन में जाना पड़ेगा, उन क्षणों में जो क्षण उन्होंने बिता दिए हैं, पर वह क्षण कैसे थे, बहुत ही कष्टप्रद थे। तो उनके पुराने भाव फिर से हरे हो जाएंगे, इसलिए वह अपनी आत्मकथा के लिए इस समय को उपयुक्त नहीं मानता। हमने भी पिछले पद में पढ़ा है, उन्होंने कहा कवि ने कि हमारे जो थे वह सो गई है, तो आत्मकथा भी सोई है, तो मैं अभी उसको उठाना नहीं चाहता। अतः वह अपनी पीड़ा को फिर से याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वह उसे पुनः दुख ही देगी। अगर पुरानी बातें वह याद करेंगे तो इससे उनको पुनः कष्ट ही होगा, दुख ही होगा। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा कहने के लिए इस समय को उपयुक्त नहीं मानते हैं।